आपको सीधे ले चलते हैं राजगढ़, जहां अमित शाह मौजूद हैं, सुनिए। अरे जानते हो या नहीं जानते हो भाई, ये राहुल बाबा को निमंत्रण भेजा, प्राण प्रतिष्ठा में आइए, मगर राहुल बाबा नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई बताओ? डिग्गी राजा भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो उनकी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाई और बहनों, जिनको निमंत्रण मिलने के बावजूद ना मंदिर गए ना अयोध्या गए, इन लोगों को कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी माफ नहीं। भाई और बहनों, मुझे बताओ राजगढ़ वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? ये कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं राजस्थान एमपी वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे महाराज, इस देश को आप नहीं जानते हो। राजगढ़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाई और बहनों, 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनोरस बच्चे की तरह संभाल कर बैठी थी। इसके कारण आतंकवाद बढ़ता था, कश्मीर के अंदर तिरंगा नहीं लहराया जाता था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाई और बहनों, आज हमारा कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि बनकर समग्र विश्व के साथ तिरंगे के साथ सम्मान से खड़ा है। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आतंकवाद को मोदी जी ने समाप्त कर कर, नक्सलवाद को मोदी जी ने समाप्त कर कर, 10 साल तक एक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया न जाने कौन कौन घुस जाते थे और बम धमाके करते थे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पाकिस्तान ने फिर से गलती कर दी, उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर ये पाकिस्तान वाले भूल गए कि अब भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर आतंकवाद का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाई और बहनों, समग्र देश से भाई रहने दो, ये रहने दो, क्या कर रहे हो अभी? चलो सारे पुलिस वाले बाहर निकलो, और नरेंद्र मोदी जी ने सब बैठ जाइए, बैठ जाइए जरा। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में समग्र देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। डिग्गी राजा के समय में मध्य प्रदेश नक्सलवाद से पीड़ित राज्य माना जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी सालों से गरीबी हटाने का बात करती थी, 4 पीढ़ी तक बात करी, मगर कुछ नहीं हुआ। 10 ही साल में मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का,
80 करोड़ लोगों को हर महीना 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 4 करोड़ लोगों को अपना घर दिया, 3 करोड़ लोगों को घर में बिजली दी, 10 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 14 करोड़ लोगों को घर में नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाई और बहनों, ये दिग्गी राजा का शासन था। मैं भगवान महाकाल का दर्शन करने गुजरात से आता था, गहरी नींद लग जाती थी अहमदाबाद से दाहोद आते आते, मगर जैसे ही दाहोद क्रॉस कर मध्य प्रदेश में घुसते थे नींद पूरी खुल जाती थी, क्योंकि धड़ाम से गाड़ी गड्ढे में गिरती थी। मालूम ही नहीं पड़ता था कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है, मालूम ही नहीं पड़ता। किसान भाइयों बहनों, मुझे बताओ, खेत में पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था दिग्गी राजा ने की थी क्या? जोर से बोलो, की थी। 24 घंटा बिजली आती थी, किसान को 6000 रुपया मिलता था, गरीब को 5 किलो अनाज मिलता था, 5 लाख तक का इलाज होता था, युवाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी क्या? और पूरा चंबल का इलाका डाकुओं से भरा हुआ था या नहीं था? नक्सलवाद था या नहीं था? अरे दिग्गी राजा, क्या मैंडेट मांगने आए हो? इतने साल तक भाग गए, भोपाल चले गए, अब राजगढ़ आए हो। राजगढ़ वालों को पूछो, आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अरे बोलो भाई, चाहते हो क्या? ये दिग्गी राजा के साथ, ये दिग्गी राजा के साथ बंटाधार शब्द जुड़ गया है। राजगढ़ वालों, यहां बंटाधार करना है क्या? करना है क्या? और ये दिग्गी राजा के सलाह से राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे, माइनॉरिटी के पर्सनल लॉ। भाई और बहनों, सरकार तो आनी नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, 3 तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए। शरिया कानून से देश चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ की बात कर पिछले दरवाजे से देश में शरिया कानून लाने का बात करती है। और ये दिग्गी राजा इनसे भी 2 कदम आगे। भगवा आतंकवाद, अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं, देखने के बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा, ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया है। जाकिर नाइक को